फ्रेंड्स ये देखिए, मैं आपको इस दो कलर से लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाना बताऊंगी। और उसके लिए हमने ये देखिए 10 नंबर की सिलाई ली है। और हम जो आपको कान्हाजी की ड्रेस बताएंगे, ये मेरे को कमेंट आया था कि मैं डोरमेट वाले डिजाइन कान्हाजी की ड्रेस में बना करके बताऊं। तो चलिए हम इसी तरह की आपको ड्रेस बना करके बताएंगे जो हमने डोरमेट में डिजाइन डाले हैं। किसी भी तरह का हम उसमें डिजाइन डाल सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारी ड्रेस आपको कैसी लगी। तो चलिए हम लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। हमने इसमें 12 फंदे डाल लिए हैं और ये 6-7 नंबर के गोपाल जी को ड्रेस आराम से आ जाएगी। तो ये देखिए, हम चोली जो बनाएंगे रेड कलर से ही बनाएंगे और नीचे हमने ये कलर लगाना है। तो चलिए हम पहले एक सिलाई इसी तरह से बना लेते हैं। और हमने 0 नंबर कान्हाजी के लिए भी ड्रेस डाली हुई है, आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। आप जैसा भी चाहोगे हम उस तरह का डिजाइन आपको कान्हाजी की ड्रेस में डाल करके बता देंगे। ये देखिए 12 फंदे मैं डाल करके बता रही हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से, देखिए एक सिलाई हमने बना ली है इसी तरह। अब इसके बाद देखिए हमने 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, ये देखिए इस तरह से। और हमने एक जाली डालनी है इस तरह से, फिर आगे धागा करेंगे हम। ये दूसरी जाली डालेंगे, देखिए मैंने 2 जालियां डाल चुकी हूँ। फिर से आगे धागा करना है हमने, तीसरी जाली डाल दी, फिर से आगे धागा करना है। ये चौथी जाली डाल दी हमने। तो ये 4 जालियां मैंने एक बाजू के लिए बना दी हैं। आगे धागा फिर से हम करेंगे, ये दूसरी बाजू के लिए पहली जाली डालेंगे, आगे धागा, फिर से हमने 2 जालियां बना ली हैं, आगे धागा, तीसरी, फिर से आगे धागा और ये चौथी। तो ये सारी हमारी 8 जालियां हो चुकी हैं। आगे धागा करके 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद हमने उल्टी सिलाई सारी उल्टी ही बनानी है, ये देखिए इस तरह से। और मैं इसी तरह इसमें 4 जालियां डाल लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, एक जाली हो चुकी है। देखिए एक बार और बताते हैं, 2 फंदे उल्टे नीचे तक हमने ये 2 फंदे इसी तरह लेने हैं। पीछे धागा, ये हमारा बढ़ा हुआ फंदा है, इसको हम सीधा बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। और ये जाली वाला फंदा आ गया है, ये देखिए इस तरह से। आगे धागा करके फिर से हम इस पर जाली बनाएंगे इस तरह से, फिर से आगे धागा करेंगे, ये देखिए इस तरह से 2 जालियां बना दी। जो हमारे फंदे जाली के बड़े हुए हैं उनको हम देखिए इस तरह से सीधा बना लेंगे, ये देखिए। और आगे धागा करके फिर से जाली डालेंगे, फिर आगे धागा, ये देखिए एक बाजू के लिए फिर से हमने 4 जालियां बना ली हैं। और जाली वाले फंदे बड़े हुए सीधे बनाएंगे, 2 फंदे सीधे बना लिए, आगे धागा करके फिर से जाली डालेंगे, ये देखिए इस तरह से 2 फंदे फिर सीधे बनाएंगे हम। और ये देखिए आगे धागा करके फिर से जाली डालेंगे,
ये 8 जालियाँ नीचे से हमने डाली हैं पूरी, और ये बड़ा हुआ फंदा, दो फंदे उल्टे, उल्टी सिलाई सारी उल्टी बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, दो जालियाँ डाल चुके हैं, तीसरी जाली हम डालने जा रहे हैं। ये देखिए इस तरह से पीछे धागा, ये देखिए दो फंदे हम अब उल्टे बना रहे हैं, सॉरी सीधे बनाएंगे। और देखिए जाली वाला फंदा हमारा देखिए नीचे से अपने आप ही दिख रहा है, ये इसी पे हमने जाली डालनी है। ये देखिए इस तरह से बाजू वाले फंदे जिनको हम घटाएंगे वो हम सीधे बनाएंगे सारे। ये देखिए इस तरह से फिर से हमने ये जाली डालनी है, और ये देखिए जो बढ़ चुके हैं फंदे उनको सीधा बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह हमने तीन जालियां हो चुकी हैं, चौथी और हम इसी तरह बना लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए इस तरह से। चलिए मैं एक जाली और बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स, सारे फंदे हमने बाजू के घटा दिए, देखिए इस तरह से ये बाजू आई है। अब ये हमारे 24 फंदे हैं सारे हमारे, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से हम एक सलाई इस तरह से उल्टी बना देंगे, ये देखिए पूरी सिलाई हमने इस तरह से उल्टी बनानी है। ये देखिए उल्टी सिलाई पूरी बना दी है। अब इधर से हम ये क्रीम कलर को जोड़ लेंगे, और एक सिलाई इसकी भी हम उल्टी ही बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, एक सिलाई में इसकी भी उल्टी बनाऊंगी इसी तरह से, ये देखिए। तो चलिए एक सिलाई इसकी हम उल्टी बना करके फिर दिखाते हैं आपको। फ्रेंड्स, सारे फंदे हमने बाजू के घटा दिए, देखिए इस तरह से ये बाजू आई है। अब ये हमारे 24 फंदे हैं सारे हमारे, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से हम एक सिलाई इस तरह से उल्टी बना देंगे, ये देखिए पूरी सिलाई हमने इस तरह से उल्टी बनानी है। ये देखिए उल्टी सिलाई पूरी बना दी है। अब इधर से हम ये क्रीम कलर को जोड़ लेंगे,
और एक सलाई इसकी भी हम उल्टी ही बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। एक सलाई में इसकी भी उल्टी बनाऊंगी इसी तरह से, ये देखिए। तो चलिए एक सलाई इसकी हम उल्टी बना करके फिर दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एक सलाई क्रीम कलर की बना ली है और हमने अब यहीं से हमने चोली को अलग बनाना है। ये देखिए इस तरह से, यहीं से हम फंदे इसके बंद कर देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे फंदे बंद कर दिए हैं। ये मैं आपको बहुत ही आसानी तरीके से बता रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, चोली बन करके तैयार है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। ये अब इसका घेरा हम नीचे से अलग से बनाएंगे। ये देखिए चोली को हमने कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। अब हम इसका नीचे का घेरा बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने 16 फंदे डाल लिए हैं घेरा बनाने के लिए। ये देखिए 16 फंदे डाल के मैंने, आपको जितना बड़ा घेरा इसका रखना है आप उस हिसाब से फंदे ले लें। मैंने 16 फंदे लिए हैं घेरा बनाने के लिए। अब ये देखिए पहली सिलाई हम इसी तरह से बनाएंगे, उल्टी ही सिलाई बनाएंगे। ये देखिए पहली सिलाई बना दी, दूसरी दोनों तरफ से ये दो सिलाइयाँ हो चुकी हैं। और सीधी तरफ से भी हमने एक सिलाई रेड कलर की ही बनानी है इसी तरह। इसके बाद हमने उल्टी तरफ से क्रीम कलर को लगाना है। ये देखिए इस तरह से। अब ये सिलाई भी हम इसी तरह बना लेंगे, पहला फंदा उतार के धागा आगे करके। ये देखिए चलिए इस सिलाई को बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये दो सिलाइयाँ या सॉरी तीन सिलाइयाँ पूरी बना ली हैं। अब हम इसकी उल्टी तरफ हैं, यहाँ से हमने ये देखिए ये क्रीम कलर को लगाना है इस तरह से। देखिए मैं बहुत ही आसान सा डिज़ाइन आपको बता रही हूँ इसमें। और हमने दो फंदे हमने रेड के ही रखने हैं, हम पीछे ही धागा भूल गया है। ये देखिए इस तरह से हम दो फंदे हमने ये देखिए रेड के ही रखने हैं इस तरह से।
ये देखिए इस तरह से, ये देखिए पीछे धागा करेंगे, इस धागे को आगे लाएंगे। अब ये देखिए हम लास्ट वाले दो फंदे पीछे छोड़ेंगे, देखिए दो फंदे मैंने बगैर बुने छोड़ दिए हैं पीछे ये। अब यहीं से हमने वापस होना है। सारे फंदे हमने इसी तरह छोड़ने हैं ये। ये देखिए अब दो फंदे हमने इसी तरह रेड से ही बनाने हैं हर बार। ये देखिए इसकी किनारी हमने इसी रेड से ही बनानी है इस तरह से। ये डिज़ाइन मैंने डोरमेट में भी डाला हुआ है। ये देखिए इस तरह से धागा आगे करके इस तरह से बनाते हुए जाएंगे हम। देखिए फिर से दो फंदे छोड़ दिए। सारे फंदे मैं इसी तरह छोड़ूंगी और ऊपर तक हमने रेड से दो इसी तरह बनाने हैं ये। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। तो चलिए मैं सारे फंदे छोड़ लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने सारे फंदे छोड़ दिए हैं। अब ये देखिए ये दो फंदे तो हम इसी तरह इसी कलर से बनाएंगे। पीछे धागा करके क्रीम कलर को लाना है और पूरी सिलाई हमने इसी तरह से बनानी है। ये देखिए इस तरह से जो बिगर बुने छोड़े थे सारे फंदे हमने बना लिए हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए अब हमने फिर से दो सिलाई रेड कलर को इसी तरह बनाना है। ये देखिए ये देखिए मैं दो सिलाइयाँ फिर से रेड कलर की बनाऊंगी जिस तरह से मैंने ये बनाई है। ऊपर को फिर से मुझे ये क्रीम कलर को ही बनाना है इसी तरह से। ये देखिए इसको बहुत ही आसान है बनाना। ये देखिए आप साथ में ही धागा को ले लें, मैं इसको भूल गई हूँ। इस तरह से ये धागा आ गया है बड़ा। ये देखिए इस तरह से, तो मैं इसी तरह की आठ पत्तियाँ डालूँगी इसमें, फिर इसके बाद आपको दिखाएंगे। आठ पत्तियाँ मैं गोल इसी तरह बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स हमने आठ पत्तियाँ इसमें बना ली हैं। अब इसके बाद हम यहाँ से ये देखिए इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे। ये देखिए सारे फंदे हमने इस तरह से बंद कर देने हैं। रेड से ही हम डाले थे और रेड पे ही हमने बंद करने हैं। तो चलिए हम इसको बंद कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स सारे फंदे हमने बंद कर लिए हैं ये देखिए इस तरह से, और चोली भी बन के तैयार है ये देखिए। अब इसको हम किस तरह से इसमें लगाएंगे ये देखिए, इस तरह से हमने इसको रखना है। ये देखिए इस तरह से हम रख करके, ये देखिए, ये देखिए इस तरह से हम रख के ये हम सिलाई मारेंगे इसमें। तो देखिए हमने इस तरह से करते हुए
ये देखिए सिलाई करनी है, ये देखिए इस तरह से, इस तरह से हम सिलाई करेंगे। ये देखिए मैं आपको सिल के बता रही हूँ, ये देखिए इसके ही बराबर में ये बैठ रही है इस तरह से। देखिए सिलाई भी बहुत ही आसान है, इस तरह से सिलाई कर लेंगे। सीधी सीधी हमने सिलाई करनी है। ये देखिए तो चलिए मैं सिलाई कर लेती हूँ इसी तरह यहाँ तक, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स अच्छे से लड्डू गोपाल की ड्रेस तैयार है, ये देखिए इस तरह से। और आप इसमें हुक बटन कुछ भी पीछे इस तरह से लगा लें, ये देखिए देखिए कितनी सुंदर लग रही है, ये देखिए इस तरह से। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं ये कान्हा जी की ड्रेस कैसी लगी, ये देखिए इस तरह से। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।